अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीबी सोलह लाइव फीड। शहनाज की बात होने लगी घर में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही वीकेंड का वार ख़त्म होता है, शालीन और टीना के झगड़े के बारे में सारे घर वाले बात करने लगते हैं कि ये दोनों ऐसा ही करते हैं और हमेशा अपनी फेक लव स्टोरी के बाद झगड़ा करते हैं और इनका यही चलता है। जैसे ही सलमान खान ने टीना की पोल खोली कि टीना और शालीन की फेक लव स्टोरी जो कि आप नेशनल टेलीविज़न पर ये दिखा रहे हो, ऐसा कर रहे हो और इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हो, एक दूसरे की पोल खोल रहे हो, इतने दिन तक आप अच्छे थे और जैसे ही आपकी दोस्ती ख़त्म हुई तो आप एक दूसरे की पोल खोलने लगे, वही दोस्तों लाइव फीड में शहनाज का भी जिक्र होने लगता है। क्यों ना हो, क्योंकि शहनाज ने बिग बॉस का टाइटल जो जीता है, जब जब बिग बॉस आएगा शहनाज का नाम और शहनाज को याद किया जाएगा बिग बॉस में। जैसे ही हमने देखा था कि शहनाज भी अपने सॉन्ग को प्रमोट करना, जैसे ही बिग बॉस में आई थी वो प्रियंका से मिली थी और प्रियंका खुश हो गई थी क्योंकि वो दोनों बाहर से एक दूसरे को जानते थे, फ्रेंड थे, और प्रियंका शहनाज को बिग बॉस में मिलकर खुश हुई थी। तो सलमान खान के शो के बाद, वीकेंड के बाद सब घर वाले जो आपस में बैठे हैं लाइव फीड में, वहीं पर जिक्र हुआ था हमारी शहनाज गिल का। और शहनाज गिल का जिक्र होता ही है क्योंकि शहनाज ईमानदारी से, रियल पर्सनालिटी से नेशनल टेलीविज़न पे अपना रियल गेम, रियल स्टोरी शेयर करी थी, हर फैमिली अपनी फैमिली के बारे में भी बताया था। और ये सब जो अभी आए हैं वो बस एक्टर है, एक्टिंग करने ही आए और एक्टिंग ही करते रह के जाएंगे।